फोकस कीजिएगा, ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वी शुड स्टार्ट, ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, यूनिट नंबर 11, द फार्मर एंड द हैट, ओके, पेज नंबर 108। लिसन एंड पॉइंट टू द वर्ड, लिसन अगेन एंड से द वर्ड, एक्सरसाइज ए, लिसन एंड पॉइंट टू द वर्ड्स। आपने बहुत अच्छी तरीके से लिसन करना है, ठीक है, और आपने उन वर्ड्स को दोबारा से रिपीट करना है। पहले मैं बोलूं करूंगी, फिर आप रिपीट करेंगे, ठीक है। एफ आर एम आर फार्मर, एफ ए आर, एफ ए आर एम ई आर फार्मर, एम ई आर फार्मर। बेटे आपका नाम मिनाहिल है, मिनाहिल? यस। ओके, आप लोग की मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ ना, इसलिए मैं आप लोगों से नेम पूछ रही हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों का तो मुझे पता है। और ये साइम कौन है, हु इज साइम? ओके, एफ ए आर एम ई आर फार्मर, फार्मर कौन होता है पता है ना आपको? फार्मर कौन होता है, सही है, पता है सबको आपको फार्मर कौन होता है? हाँ, नहीं पता। अच्छा, फार्मर क्या कौन होता है? फार्मर वो होता है जो हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करता है। कौन होता है जो हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करता है, उसे क्या कहते हैं? किसान, फार्मर कहते हैं। आपको पता है किसान जो हमारे लिए सब्जियां लगाते हैं और जो हम खाना खाते हैं वो कौन ग्रो करता है? हाँ, फार्मर, वेरी गुड, फार्मर ग्रो करते हैं ना हमारे लिए क्रॉप्स वगैरह, सब्जियां जो हम खाते हैं और जो हम पल्सेस वगैरह खाते हैं वो कौन ग्रो करता है? फार्मर ग्रो करता है ना। ओके, नेक्स्ट है क्रो, काउ, सी ओ डब्ल्यू, काउ, काउ, डब्ल्यू, काउ। काउ का सबको पता है, पता है ना हम किसका मीट खाते हैं? हम काउ का मीट भी खाते हैं, काउ हमें मिल्क भी देती है ना, मिल्क है ना। yes. हम काउ का मिल्क जो है वो ड्रिंक भी करते हैं, पीते भी है ना, हम काउ का मिल्क पीते है ना हम। yes. ताकि yes. हमारे बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो, पीते है ना हम लोग मिल्क काउ का। सी ओ डब्ल्यू, काउ, सी ओ डब्ल्यू, काउ। विच एनिमल गिव अस मिल्क, मिनाहिल, विच एनिमल गिव अस, विच एनिमल गिव अस मिल्क? वेरी गुड, काउ। इब्राहिम, आप ड्रिंक करते हैं मिल्क, किस एनिमल का ड्रिंक करते हैं मिल्क? काउ। गुड। अच्छा, हम जो क्रॉप्स, जो क्या नाम है, जो हम वेजिटेबल्स और हम जो है फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो हमें क्या कौन कौन करता है, ग्रो करता है वो? वेरी गुड, नो, फार्मर ग्रो करता है तो मार्केट में आती है ना चीजें, फार्मर ग्रो करता है तो फिर मार्केट में आती है ना चीजें। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मिल्क, एम आई एल के, मिल्क, एम आई एल एल के, मिल्क, एम आई एल के, एम आई एल के, मिल्क। गुड, वेरी गुड। मिल्क हम रात को बिफोर गोइंग टू बेड हम मिल्क पीते हैं ताकि हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, हम मिल्क पीते हैं ना। ग्रोइंग चिल्ड्रन, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनको तो मिल्क की बहुत नीड होती है ना, ताकि उनके बोन्स। जी, वालेकुम अस्सलाम आदम, कैसे हैं आप? वेरी गुड। अच्छा, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ। अच्छा बेटे, आप अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 108। हम गेट रेडी के वर्ड्स हम एक्सप्लेन भी कर रही हूँ मैं और पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर 11, द फार्मर एंड द हैट। ओके, नेक्स्ट वर्ड, मार्केट, एम ए आर के ई टी, मार्केट, एम ए आर के ई टी, मार्केट। वेरी गुड, एम ए आर, एम ए आर, एम ए आर के ई टी, मार्केट। अच्छा, हमें कुछ शॉपिंग करने जाना होता है तो हम मम्मा के साथ मार्केट जाते हैं ना, हमें मार्केट में हर हमें मार्केट में हर चीज अवेलेबल होती है। हम ग्रोसरी करने मार्केट में जाते हैं, हम अपने ईद लेने मार्केट में जाते हैं, मम्मा को जो कबार वेजिटेबल्स खरीदने होते हैं, फ्रूट्स खरीदने होते हैं, तो मम्मा मार्केट जाती है ना, जाती है ना। ओके, वेरी गुड। आदम समझ आ रहा है? आदम समझ आ रहा है? Yes.
Next cell. S E L cell. S E L cell. अब आपको पता है जब अब आपको पता है जब फार्मर जो है क्रॉप्स को ग्रो करता है तो वो सेल करने कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं ना सेल करने, बेचने के लिए, है ना? Yes. इसका वर्ड का मीनिंग क्या है? बेचना. अब जब फार्मर ने जो है क्या नाम है क्रॉप्स को ग्रो किया, अब वो क्रॉप्स को जो है वो मार्केट में बेचने जाते हैं ना, ताकि जो है अब उसको पब्लिक जो है फिर उनसे खरीदे. वो बाय, बी यू आर बाय. वेरी गुड. बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना. मेरे शूज अब खराब हो गए तो मैं मार्केट जाऊंगी ना उसे बाय करने के लिए. आपका बैग, आपका स्कूल बैग टूट गया है, सही है, या कहीं से उसका वो खराब हो गया है, तो मम्मा न्यू बैग बाय करने जाती है ना मार्केट में, जाती है ना मम्मा? बाय. ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्लेन. PLAIN. I can't hear your voice, Ibrahim. Manahil, repeat again. अच्छा, प्लेन पता है आपको क्या है? बोले बेटे. टीचर जी बोले. टीचर मैं कह रही हूँ कि आप कौन सा सब्जेक्ट करवा रही हैं? आप बेटे पहले अपना नाम बताओ मुझे, आपका पूरा नाम क्या है? अरबिश मोहम्मद रफी. ओके अरबिश, अब मेरी बात सुनो बेटा. आपको देखो मैडम ने ग्रुप पे आपको टाइम टेबल वगैरह सब सेंड किया हुआ है ना. आई एम टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल. मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है? इंग्लिश की आप बुक ओपन करो, यूनिट नंबर 11, पेज नंबर 108. गेट रेडी के वर्ड्स मैंने पढ़ा रही हूँ. मैं हूँ प्लेन वर्ड पे, PLAIN, प्लेन. प्लेन का मतलब होता है सादा. अब देखिए मिनाहिल, आपने जैकेट पहनी हुई, आपकी जैकेट कैसी है? प्लेन है ना, उसपे कोई फैंसी नहीं है. आप अपनी जैकेट देखो जरा, आप जैकेट देखो, प्लेन है ना, बिल्कुल सादी जैकेट है वो, उसपे कुछ फैंसी तो कोई चीज नहीं है ना, है ना? तो आपकी जैकेट बिल्कुल प्लेन है. जो चीज बिल्कुल, पेज नंबर 108, पेज नंबर 108. जो चीज सादी होती है उसको कहते हैं प्लेन. जो चीज सादी होती है ना उसे हम कहते हैं प्लेन. क्या कहते हैं? प्लेन. अब मेरे मिनाहिल की जैकेट बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई फैंसी चीज नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये प्लेन जैकेट पहनी है मिनाहिल ने, ठीक है? आपकी बुक में पिक्चर भी है, देखें, ये शूज की पिक्चर है. आपको शूज क्या ना कैसे नजर आ रहे हैं? कैसे हैं शूज? प्लेन. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट वर्ड फैंसी. FANCY. वेरी गुड, वेरी गुड, फैंसी. अच्छा, अब ये शूज बताए मुझे कैसे है लग रहे हैं आपको देखने में? प्लेन. प्लेन नहीं है मिस. ये कैसे हैं? वो फैंसी. ये फैंसी शूज हैं. इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा कलरफुल सा रिबन है. इसका कलर कितना ब्राइट है, है ना? ब्राइट है ना कलर, है ना? कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना वो फैंसी शूज, है ना? वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है ना. ओके, आपके पास आप लोग अपने हेयर्स में लगाते हैं पिंस वगैरह लगाते हैं ना, बोज वगैरह लगाते हैं, फैंसी पिंस, फैंसी बैंड, फैंसी हेयर बैंड लगाते हैं ना. आपकी मामा, आपकी मामा शादी में जाती हैं तो वो फैंसी ड्रेसेस पहनती है ना, बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है फैंसी वर्क हुआ हुआ होता है, उसके ऊपर फैंसी बटन लगे हुए होते हैं. समटाइम बॉयज भी पहने हुए होते हैं फैंसी टी शर्ट, पहने हुए होते हैं ना फैंसी टी शर्ट. गुड. आप मुझे बताए आपको ये तमाम वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी क्लियर हुई? हाँ. Yes, आप मुझे वन बाय वन हर बच्चा पढ़ के बताएगा,
सबसे पहले मुझे मिनाहिल पढ़ के बताएंगी. मिनाहिल मिनाहिल एफ एफ ए आर एम ई आर फार्मर्स फार्मर वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड हरी अप मिनाहिल फास्ट मिनाहिल फास्ट सी ओ डब्ल्यू काउ वेरी गुड. सी ओ डब्ल्यू काउ नेक्स्ट एम आई एल के मिल्क वेरी गुड. नेक्स्ट एम ए आर के ई टी मार्केट गुड. एस ई डबल एल सेल वेरी गुड. डी बी यू वाई बाय बाय गुड. एल ए आई एन प्ले गुड. एफ ए एन सी वाई फैंसी वेरी गुड. नाउ आदम यू स्टार्ट. एफ ए आर फास्ट एम यमन फार्मर सी ओ डब्ल्यू आदम आदम स्टॉप स्टॉप फार्मर प्रोनाउंसिएशन सही करे फार्मर बोले मार्केट वेरी गुड. डबल एक्सएल वेरी गुड. टी यू वन बाय प्लेन ओके. फैंसी ओके. आप पढ़ेंगी आप कौन पढ़ेगा अरबिश पढ़ेंगे अरबिश ओके स्टार्ट अरबिश. F A R M E R farmer good. C O W cow good. M I L K milk very good. Okay okay. M A R K E T market very good. S E W S sell very good. B Y B U Y buy very good. P L A I N plan plane. F A N C Y fancy. Okay Ibrahim you start. Bolo padho Ibrahim. बोलो फार्मर फार्मर. नो इब्राहिम ऐसे नहीं. इब्राहिम ऐसे नहीं बेटे ऐसे नहीं. जैसे मैंने हाँ वेरी गुड फार्मर. ई ओ डब्ल्यू काउ ई ओ डब्ल्यू काउ. एम आई एल के मिल्क मिल्क. एम ए आर एम ए आर के ई टी के टी मार्केट मार्केट. एस गुड. एस एल डबल एल सेल सेल. बी यू वाई B U Y by B I P L A I A I plan plan F A N F N C Y Y fancy fancy very good. अब हमारे पास उमर एडमिट हुए हैं. उमर गुड मॉर्निंग. उमर आर यू लिसनिंग मी. उमर अभी इनका म्यूट हुआ हुआ है बटन आई थिंक इन्होंने मोबाइल म्यूट किया हुआ है और शाफिया का भी म्यूट हुआ हुआ है. आप लोग अनम्यूट करें. आपका मुझे वॉइस नहीं आ रहा. उमर गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. उमर कैसे हैं आप बेटे. अच्छा उमर हमने जो है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 108 पढ़ा यूनिट नंबर 11 द फार्मर एंड द हैट. आप बुक का पेज नंबर 108 ओपन करो. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो मैं पढ़ा रही हूँ. हम पढ़ चुके हैं. अब आप मुझे पढ़ के बताओगे मैं आपको पढ़ के बताऊँ. उमर आर यू लिसनिंग. वेरी गुड वेरी गुड. उमर फार्मर एफ ए आर एम ई आर फार्मर फार्मर वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड उमर वेरी गुड. M I L K milk बता रही हूँ milk. M I L K milk good very good. Next word M A R K E T market market S T L
S E L cell, S E double L cell. पिक्चर्स नहीं आ रही. U Y. Bye. Bye. तो आ रही है ना. P-L-A-I-N. Plain. Plain. Good. F-A-N-C-Y. Fancy. Fancy. अच्छा शाफिया आप मुझे पढ़ के बताएं जो मैंने वर्ड्स अभी पढ़ाए वन बाय वन सबने पढ़े हैं अब आपकी टर्न है शाफिया यू वेट एस ए आर एम ई आर सी पहले बताएं ये लिखा हुआ क्या है पूरा वर्ड पढ़ के बताएं मुझे क्या लिखा हुआ है आपने इसको कर तो दिया वेरी गुड नेक्स्ट वर्ड टीचर टी ओ नीचे वाला काम नहीं करवानी मैं बेटा नीचे वाला काम कराऊंगी अभी पहले मैं इसका इनका सुन लूं फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी आप लोगों को यस टीचर एन आई एल के मिल्क वेरी गुड नेक्स्ट वर्ड एन आई के E T W Market S double L double L sell 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 mean बेचना किसी चीज को हम बेचते हैं ना मार्केट में जाके फार्मर को उसको ग्रो कर रहा है वो मार्केट में जाता है बेचने के लिए ताकि उसको पैसे मिले बाय 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 You why, why? हम मार्केट जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए कुछ खरीदने के लिए जाते हैं ना बाय करने के लिए चीजें P L A I N plane plane F A N C Y fancy okay now exercise B एक्सरसाइज बी हम सॉल्व करेंगे बुक में अच्छा एक्सरसाइज बी हम सॉल्व करेंगे बुक में फर्स्ट राइट डेट ऑन एक्सरसाइज बी एंड राइट बेटे आप लोग मेरी बात सुने मेरी बात सुने आप लोग ये शोर कर रहे हैं ना ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं लिसन टू मी आप लोग शोर नहीं कर रहे ये सब चीजें रिकॉर्डिंग में जा रही हैं ओके Look at the picture and write the word from A. आपने पिक्चर को देखनी है बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और फिर राइट करना है वर्ड ए से उठा आपने वर्ड को जो है चूज करना है ए से जो ए में आपको वर्ड लिखे हुए ना एक्सरसाइज ए में वहां से वर्ड चूज करके आपने एक्सरसाइज बी को सॉल्व करना है अब फर्स्ट वाला प्लान तो हमारा फेल है अ डैश इज एन एनिमल फर्स्ट डैश में क्या लिखा हुआ है आदम अ डैश इज एन एनिमल Cow. Very good. It makes milk. It makes milk. Cow हमें क्या देती है? Milk देती है ना? हाँ, cow है ना? The farmer can sell the milk. अब farmer क्या करता है? उसका sell जो है market में जाके उसका milk जो है वो sell करके आता है. The farmer can sell the milk at a dash. कहाँ जाता है farmer sell करने के लिए milk को? हाँ? Market. Very good. सेकंड सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा बताएं मुझे मनाहिल लाउडली बेटे मार्केट वेरी गुड लिखे मार्केट मार्केट की स्पेलिंग बताएं उमर मुझे मार्केट की उमर स्पेलिंग बताएं मार्केट एम ए आर के ई टी मार्केट अ काउ इज एन एनिमल द फार्मर सेल द मिल्क एट अ मार्केट फार्मर जो है मिल्क को सेल करने जाता है मार्केट में द फार्मर डैश सम डैश टू अ मैन अब फार्मर ने क्या किया द फार्मर डैश सम डैश टू अ मैन फार्मर ने किसको किया फार्मर ने क्या किया बाय किया सेल किया वेरी गुड वहां ब्लैंक में क्या आएगा ब्लैंक में क्या आएगा आप बताएं उमर क्या आएगा ब्लैंक में थर्ड वाली ब्लैंक में
वेरी गुड वेरी गुड उमर वेरी गुड आर्मिश आप कर रहे हो आप कर रहे हो बेटी टीचर अच्छा पहले मुझे बताएं आपके घर में इतना शोर क्यों हो रहा है सबके घरों में हाँ आप लोगों को मना कर रही हूँ ना मैं कि इस वक्त जो आप लोगों की हर चीज रिकॉर्ड हो रही है सब लोग कॉमन में बैठे मुझे अपने घर में मना करें शोर ना करें डिस्टर्बेंस हो रही है पढ़ाने में मुझे और समझने में आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है आपको पता है ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है कितना बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा आप लोगों का आप लोग अपने घर में जो भी है उनको बोले अभी इस वक्त इस रूम से चले जाएं और आप लोग अकेले बैठ जाएं नहीं तो अगर मम्मा साथ बैठ रही हैं तो देखें बिल्कुल खामोशी से बैठें आप लोग ओके स्टार्ट करें द फार्मर डैश सम डैश टू अ मैन अब बताएं इस वाली डैश में क्या आएगा पहली डैश में तो हमारा जो था सेल आ गया दूसरी वाली डैश में क्या आएगा सम डैश टू अ मैन फार्मर ने क्या सेल किया था मैन को हाँ नहीं, the farmer sells some dash to a man. Farmer ने उस आदमी को क्या बेचा? क्या बेचा था farmer? Very good. उमर आप कर रहे हो उमर? उमर? आप लिखो जल्दी सब लिखो बच्चों. सब बच्चे लिखिए जल्दी शाबाश milk. M I L K milk. Manahil, have you done? Teacher, किधर? अच्छा अब देखें आप सुने पैराग्राफ को लिसन करें बहुत अच्छे तरीके से अ काउ इज एन एनिमल जी बोले टीचर जी सेल के बराबर में लिखना है मिल्क जी उसके बराबर में सम लिखा हुआ है ना सम क्या नाम है क्या बेचा था कुछ उसने मिल्क बेचा था ना टू अ मैन को फार्मर ने जो है आदमी को क्या बेचा था मिल्क बेचा था ना उसने सेल के बराबर में मिल्क लिखना है जी जी उसके बराबर में डैश है ना वहाँ पे मिल्क आएगा लिखा आपने Yes, miss, लिख रही हूँ मैं लिखें जल्दी शाबाश M I L K milk. Very good, milk. The man dash the milk. अब मैन ने क्या किया बताए मैन ने क्या किया मिल्क को हाँ बाय वेरी गुड बाय किया उसने खरीदा मिल्क आदमी ने उस मिल्क को खरीदा ना बाय किया वेरी गुड क्लास बाय लिखें मिस जी बाय लिखेंगे बी यू आई उस आदमी ने उस मिल्क को बाय उसे खरीदा ना फार्मर से वेरी गुड ओके नेक्स्ट स्टार्ट करें टीचर लाइन में आते हैं जी अब लास्ट हमारी लास्ट लाइन है थर्ड लाइन है हमारी ओके द फार्मर हैज अ डैश जैकेट फार्मर के पास कैसी जैकेट है अब फार्मर की जैकेट देखें प्लेन नो प्लेन हाँ वेरी गुड क्लास फार्मर की जैकेट देखें कैसी है ये देखें पिक्चर देखें सब बच्चे फार्मर की जैकेट देखें कैसी है प्लेन प्लेन की स्पेलिंग बताएं उमर मुझे उमर A I N प्लेन वेरी गुड प्लेन फार्मर की जैकेट कैसी है प्लेन मिस प्लेन लिखे प्लेन लिखे पकड़ो ना लिखो ना पकड़ो यहाँ पे रखो आ गया हो P-L-A-N P-L-A-N P-L-A-I-N प्लेन वेरी गुड ओके The man has a dash jacket. अब ये man है, ये आदमी है। इसकी jacket कैसी है? इस आदमी की jacket। इधर इसके बराबर में L। इसकी jacket कैसी है? Plain। इसकी fancy, बोलो fancy। Fancy। Very good। Very good fancy। लिखे fancy। F-A-N-F-A सी लिखो सी वाई फैंसी फैंसी सी वाई फैंसी गुड वेरी गुड मैं सब कुछ लिख लिया अच्छा अब बात सुने अब आप लोग फ्राइडे के लिए आपको पता है ना बुक चेकिंग करवाने आनी है कॉपी चेकिंग करवाने आनी है ना सबने
आना है ना सबने? जी अब आप लोग मेरी बात, आपने ये बुक में एक्सरसाइज कर ली ना, अब मैं फ्राइडे के डे आप मुझे चेकिंग करवाने आएंगे इस एक्सरसाइज को। अब मैं आप जो है, हाँ अब मेरी बात सुने बेटे, अब मैं मैथ्स की क्लास है।